हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज छत्तीसगढ़ का सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है सीट मैट्रिक्स के साथ। जो स्टूडेंट अभी भी नहीं देखे हैं अपना अलॉटमेंट, तो जल्दी देख लें और रिपोर्टिंग करें, कॉलेज ज्वाइन करें। साथ में ये भी चीज़ दिया हुआ है कि ऑल इंडिया कोटे से कितने सीट आई है स्टेट काउंसलिंग में, और कौन कौन से स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे के दौरान सीट मिलने के बावजूद छोड़ दिया है, तो सारा जानकारी मैं दूंगा, बने रहें। और साथ में मैं बताऊंगा आंध्र प्रदेश का भी आज अलॉटमेंट आया है। जो स्टूडेंट आंध्र प्रदेश से हैं वो आंध्र प्रदेश के साइट पर जाके विजिट करके और देख सकते हैं। और साथ में एक बताऊँगा हरियाणा के बारे में। पहले हरियाणा का बता देता हूँ। हरियाणा का क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ, कटअप बहुत हाई गया, लेकिन सेकेंड राउंड में जो आपको कुछ नए रूल लग गए हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज में बाउंडेशन कुछ नहीं थे, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लग रही थी, तो सीट मिलने के बावजूद स्टूडेंट ज़्यादातर सीट को छोड़ रहे थे। तो अचानक ये रूल को लागू कर दिया गया है, जो स्टूडेंट प्राइवेट MBBS के लिए काउंसलिंग करेंगे उनको 1 लाख का DD लगाना है, और गवर्नमेंट और के और डेंटल के लिए भी जो है से लागू कर दिया गया है, अलग अलग फी लगेगा। ठीक है, तो आप सोच समझ के देख के वहाँ के लिए भी काउंसलिंग करें। सीट मिल रहा है, आप सीट पे रहें, बेफालतू का मतलब तुक्केबाजी में काउंसलिंग ना करें, चॉइस फिलिंग ना करें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम हो। तो यह छत्तीसगढ़ का अलॉटमेंट का डेट, यानी कि 2019 को अलॉटमेंट आया था। और जो जो स्टूडेंट का अलॉटमेंट हुआ है उन्हें 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में 11 बजे संध्या से 4 बजे तक, यानी कि मतलब सुबह 11 बजे से संध्या 4:30 बजे तक जाके कॉलेज ज्वाइन करना है। जहां पे आपको स्क्रूटनी स्थल पर पहुंचना है और आवंटन पत्र में उल्लेख स्क्रूटनी स्तर पर पहुंचना है स्क्रूटनी के लिए, ठीक है, जिसको कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। और प्रवेश की जो तिथि है, यानी कि एडमिशन का ज्वाइनिंग का, 29 जुलाई 2019 से 3 अगस्त 2019 तक रहेगा, 11 बजे, सुबह 11 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है आपका। देखिए, आपको सेकेंड राउंड में जो सीट मैट्रिक्स आया था रायपुर मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया से कोटे से टोटल 11 सीट बच के आई है स्टेट कोटे में, यानी कि स्टेट कोटे में टोटल 11 सीट ऑल इंडिया कोटे से बचकर आई है, जो कि सेकेंड राउंड में आपका ऐड हो चुका है स्टेट काउंसलिंग में। तो टोटल 111 सीट थे उसमें आपको 130 सीट थे जिसमें 11 सीट ऐड हो गए, तो आपको टोटल 141 सीट हुए। बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में आपको टोटल 130 सीट थे उसमें 12 ऑल इंडिया कोटे से सीट आए हैं, जो कि आपको 142 सीट हो चुके हैं। आप नेक्स्ट आपका बात करता हूँ वो है जगदलपुर में टोटल अवेलेबल जो था 98 सीट अवेलेबल हैं, जो कि ऑल इंडिया कोटे से 6 सीट वैकेंट होके आई है और स्टेट में आई है, तो ये पहले से 92 था और 6 और सीट बढ़ गया, यानी कि 98 सीट पे काउंसलिंग सेकेंड राउंड के हुई थी। राजनंदगांव मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मतलब मेडिकल कॉलेज है, उसमें 3 सीट आई है ऑल इंडिया कोटे से, यानी कि आप पहले से 92 सीट से थे और 3 सीट और एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 95 सीट बढ़े टोटल हो चुके हैं। नेक्स्ट अप की बात करते हैं वो है रायगढ़ मेडिकल कॉलेज। तो रायगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल 44 सीट बचे थे और 3 सीट ऑल इंडिया कोटे से आए, यानी कि टोटल 47 सीट बचे। नेक्स्ट आपका है डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में टोटल 91 सीट हैं अभी सेकेंड राउंड के लिए, स्टेट सेकेंड राउंड के लिए ऑल इंडिया कोटे से 9 सीट और ऐड हुए हैं।
ये था आपका सेकेंड राउंड 85% स्टेट काउंसलिंग के लिए, जो ऑल इंडिया कोटे सेकेंड राउंड के दौरान जो भी सीट बच के आई थी वो स्टेट में इंक्लूड हो गई थी, वो सारे डिटेल्स में दिया था। इसके बाद देखिए नीचे अलॉटमेंट जो दिया हुआ है जो स्टूडेंट को, आप यहाँ से सारे स्टेट का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, आपका अलॉटमेंट आया है या नहीं आया है। जो स्टूडेंट का अलॉटमेंट नहीं आया है वो मोबअप राउंड के लिए काउंसलिंग करेंगे, और जिनका अलॉटमेंट आ चुका है वो जाके सीधा कॉलेज ज्वाइन करेंगे, गवर्नमेंट में आया या फिर प्राइवेट। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कि ऑल इंडिया कोटे में सीट मिली थी सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में, लेकिन उसको छोड़ चुके हैं। तो जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अखिल भारतीय कोटे से प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्रों की सूची ऑल इंडिया कोटा है। इसमें एक छात्र हैं राम कुमार, एसी कैटेगरी से थे, जो कि रिजाइन डेट दे दिए थे 18/7/2019 को रिजाइन दिए थे। राज्य कोटे से प्रवेश निरस्त, मतलब जो स्टेट कोटे की काउंसलिंग हुई थी उसमें भी दो स्टूडेंट ने निरस्त किया था, अलका वर्मा और पूनम यादव। नेक्स्ट आपका वो और भी कुछ बताता हूँ, इसमें दिया अखिल भारतीय कोटे से प्रवेश छात्रा, ऑल इंडिया कोटे से जो प्रवेश छात्रा छात्र किए थे एडमिशन, वो इस टाइप टोटल 6 स्टूडेंट प्रवेश लिए थे सेकेंड राउंड में। तो ये सारे डिटेल्स हैं जो जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन लिए थे और जो सेकेंड राउंड में और जो कॉलेज छोड़ चुके हैं। अब वहीं बात करते हैं हम रायपुर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि रिम्स, रिम्स में भी एक स्टूडेंट ने एडमिशन को रद्द कर दिया है, शिवांश सिंह ने, जिनका कि नीट स्कोर 478 था, वो अपना एडमिशन को रद्द करा लिए हैं 25/7/2019 को। नेक्स्ट आपका है वो है आपका श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस जुनवानी बैलाई, मतलब इसमें भी आपको दो स्टूडेंट थे वो अपना स्टूडेंट एडमिशन को रद्द यानी कि कैंसिल करा लिए, खुशबू जुनेजा और अजय सिंह। खुशबू जुनेजा का जो नीट स्कोर था 556 था, अजय सिंह का आपका 560 था। तो ये था आपका डिटेल्स, आप खुद से यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आंध्र प्रदेश का, लेकिन इससे पहले कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में बता देता हूँ, कुछ मोपअप राउंड के बारे में। देखिए दोस्तों सेकेंड राउंड में जिन्हें सीट मिल चुका है बहुत ही बड़ी चीज़ है, और बात रही अब मोपअप राउंड के, तो मोपअप राउंड में आप अच्छे से जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड के लिए सीट नहीं मिला है मोपअप राउंड के लिए अच्छे से तैयारी कर लें। अगर आपको अपने स्टेट में लगता है सीट नहीं मिलेगा तो अदर स्टेट के लिए भी काउंसलिंग कर लें, और कोई दलाल के चक्कर में ना पड़े ताकि आपका कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का आज मेरिट लिस्ट आया है, जो स्टूडेंट आंध्र प्रदेश से थे उनको भी मैं अभी बता देता हूँ, अपडेट देता हूँ। तो यह तेलंगाना के वेबसाइट, तेलंगाना के वेबसाइट पे आप देख लें, अच्छे से विजिट करें। साथ में राजस्थान का भी बहुत ही जल्द आपको अलॉटमेंट आने वाला है, और महाराष्ट्र का भी अपडेट बहुत जल्द आने वाला है, आपका अलॉटमेंट आने वाला है। और साथ में कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का भी आपको अपडेट आ रहा है, कमिंग सून में इसका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग को ध्यान से सारी चीज़ को करना है, देखते हुए करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।